एक सदी की पुस्तक गुलिस्तां पहला अध्याय 38वीं कहानी। चो कारे ये फिजूले मनवर आयत मरा दरबे सुखन गुप्तन निशायद, अर्थात बिना बोले ही यदि मेरा काम हो जाए तो मुझे फिजूल बात बनाने की क्या जरूरत है। किमरा के दरबार में कुछ बुद्धिमान लोग किसी विषय पर तर्क वितर्क कर रहे थे। उस समय बुजर चेमहर चुपचाप बैठा हुआ था। लोगों ने पूछा कि इस वाद विवाद में आप क्यों नहीं बोले। उसने उत्तर दिया, मंत्री हकीमों के सदृश होते हैं और हकीम लोग केवल बीमारों को ही दवा दिया करते हैं। अतः जब मैं देखता हूं कि आप लोगों की संप्रति न्यायुक्त है, तब मैं उसमें अपनी राय को घुसेड़ना बुद्धिमानी के विपरीत समझता हूँ। जब कोई काम बिना मेरे हस्तक्षेप किए ही अच्छी तरह होता है, तब उस विषय में कुछ कहना मैं अनुचित समझता हूँ। किंतु यदि मैं किसी अंधे मनुष्य को कुएं की तरफ जाते देखूं और उस समय कुछ न बोलूं, तो भी मैं दोषी हो सकता हूँ। शिक्षा, जरूरत के समय तो बोलना अच्छा है। बेमौके या बिना जरूरत बोलने से मौन रहना बहुत अच्छा है। कहा है, मौनम सर्वार्थ साधनम। कहानी समाप्त।